के महोबा जनपद में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। अवैध कब्जे को लेकर बीएसपी जिला अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल की शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने के चलते ग्राम समाज की भूमि में कब्जा किया जा रहा है। बीएसपी जिला अध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए शिकायत पर कार्यवाही न किए जाने की बात कही। फरोफत का आरोप लगाते हुए बीएसपी जिला अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न किए जाने के आरोप लगाए। मोहम्मद इकबाल का आरोप है कि कई बार लिखित शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अब तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने कहा है कि मिल रही मौजे की इस जमीन पर गरीब तबके को नजरअंदाज कर पैसे के बलबूते विशेष वर्ग का लाभ दिया जा रहा है। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। मेरी पत्नी प्रधान है, 2005 से 10 तक प्रधान रही और आज भी 15 से अभी तक प्रधान है। मैं स्वयं प्रधान नहीं हूँ, प्रधान प्रतिनिधि प्रधान पति आप हैं। मेरी पत्नी के प्रधान रहते 2007-08 में कुछ पट्टे यहाँ किए गए थे, गाटा संख्या 336 मौजा गल रही। इससे पहले के पूर्व प्रधानों में ने भी यहाँ पे पट्टे किए हैं। नगर के निवासियों को किसी को पट्टे नहीं दिए गए। जो निवासी बिलरही के हैं उन्हीं को पट्टे दिए गए। ग्राम पंचायत बिलरही प्रधान द्वारा जो वर्तमान प्रधान है और आज से 5 वर्ष पूर्व के पूर्व मतलब 10 साल से कंटिन्यू शायद इधर इतने पट्टे अवैध दिए गए अदर लोगों को। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें बिलरही के नाम पट्टे दिए गए उसी ग्राम प्रधान से उसी गांव के नाम और उनकी मौत हो चुकी शायद 1 साल या 2 साल के बाद। उन लोगों ने 100-100 रुपए के स्टाम्प पे फर्जी स्टाम्प पे वो पट्टे अपने नाम करा लिए, उनमें निर्माण हो गए। उनमें निर्माण हो गए। अब उनका कहना है कि हमने मरने से पहले उससे ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि जो शासन के निर्देश हैं कि 10 साल के पहले कोई भी पट्टा हस्तांतरित नहीं कर सकता, तो 10 साल उसे मृत भी नहीं हुए तो उससे पहले वे 100 रुपए के स्टाम्प पर उससे पट्टे लिखवा लिए, उसमें निर्माण हो चुकी। और इस कॉलोनी में तो इतने पट्टे ऐसे हैं जो बिलरही ग्राम प्रधान द्वारा श्रीनगर पंचायत के लोगों को पट्टे कर दिए गए। तो जो ग्राम प्रधान की मिली भगत से हुआ लेखपाल कानून को और ग्राम प्रधान की मिली भगत से हुआ। जैसा क्या है इसमें टोटल रुपया का काम है, केवल पैसा लिया गया और पैसे के साथ साथ यू। अब जिस दिन से हम जिलाध्यक्ष बने उस दिन से हमारे संज्ञान में ये जानकारी आई, हालांकि उससे पहले भी हमने शिकायतें की थी, लेकिन जब से हम जिलाध्यक्ष बने बहुजन समाज पार्टी से उस दिन से हमने चूंकि जिस सब बस्तियों के आसपास इन सब कुछ हरजनों के पट्टे हुए थे जैसा चाहिए, उसमें कुछ हरजन ऐसे हैं जो भीख मांग रहे हैं आज उनके पट्टों पे कब्जे हो गए। एक भिखारी हम आपको दिखा सकते हैं सुबह जो सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगता 10-10 रुपए के लिए, उनके पट्टों पे कब्जे कर लिए गए, उनके पट्टे नहीं छोड़े जा रहे। हम बताइए किसके लिए लड़ेंगे। ये बिलरही मौजा है, बिलरही मौजा के अन्नदा जो ये 5 पट्टे श्रीनगर वालों के किए गए थे हैं, तो वो भी बिंदिया जी ने किए थे, जिसमें 5 पट्टे हैं श्रीनगर के, जिसमें हम रह रहे हैं वो कमलू घोसी का है पट्टा है, उन्होंने हमको दान में दिया है रहने के लिए। हम श्रीनगर में हमारे पास कोई निवास के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने हमको दिया था रहने के लिए। कमलू घोसी कहाँ के रहने? श्रीनगर के रहने वाले हैं कमलू घोसी। ये पट्टा कहाँ का है? ये बिलरही मौजे का पट्टा है, ये बिंदुआ जी थे उन्होंने किए थे 5 पट्टा श्रीनगर के। एक ये नाव का है, ये मन्नू कुशवाहा का है पट्टा, और आगे भी एक पट्टा है जो प्रताप मार्शा वाले रहते हैं वो भी श्रीनगर मौजे के वालों का है। 5 पट्टे थे श्रीनगर के। क्या नाम है? हमारा नाम है शाहजहां। क्या चाहती हो आप? हम क्या चाहते भैया, हमारे रहने के लिए जगह नहीं, हमें कहीं भी दे दो रहने के लिए, हम वहाँ रहने लगेंगे। नहीं, बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को गलत तरीके से दिया जा रहा है? नहीं, हमें ये तो कोई जानकारी नहीं है कि गलत तरीके से दिया जा रहा है या सही तरीके से दिया जा रहा है, हमें ये इस बात की कोई जानकारी नहीं है।